कहां से टेक ऑफ करने वाली है क्रिश 4 की कहानी, क्या ये कोई पैटर्न का शिकार हो रही है ऐसे? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब भी बॉलीग्रास स्टूडियो से गजब तेज आए तो उसे सबसे पहले आप ही देख पाए। क्रिश 4 होने वाली है क्रिश फ्रेंचाइज की 4th इंस्टॉलमेंट। इस फ्रेंचाइज के बारे में कुछ कहना ज्यादा अनिवार्य या फिर नेसेसरी नहीं है, एज इस फ्रेंचाइज के सारी फिल्म सक्सेसफुल रही है और अभी करीब 9 साल बाद उसका 4th इंस्टॉलमेंट रिलीज होने वाला है। लेकिन कहां से शुरू होगी क्रिश 4 की कहानी, इसके बारे में हमें किसी को भी नई सूचना मिली है। इनफैक्ट ऋतिक रोशन और रोशन फैमिली के बाकी के सदस्य इसके बारे में टाइट लिप्ट तो है। वैसे सच्ची बताना, थंबनेल देख के आपको ये लगा ना कि क्रिश 4 की कास्ट टेक ऑफ कर रही है किसी लोकेशन के लिए और अभी शूटिंग शुरू होने वाली है। एनीवेज, वी स्वेर कोई ट्रैप नहीं था और ना ही हमारा लास्ट स्टेटमेंट एक मजाक था। एनीवे, तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, अज्यूमिंग कि आपने क्रिश की सारी फिल्म्स अब तक कई बार देख ली होगी, क्रिश 3 के क्लाइमैक्स में ये दिखाया जाता है कि कृष्णा और प्रिया का एक बच्चा होता है और नर्स से ये पता चलता है कि बच्चा एक लड़का है और तब कृष्णा और प्रिया खुश होते हैं अपने बेटे को देखकर। तब प्रिया उससे कहती है कि उसने अपने बेटे का नाम रोहित रखने का सोचा है और तब जब दोनों न्यू पेरेंट्स एक मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं तब कृष्णा देखता है कि उनका बच्चा मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, तब वो हर तरफ देखता है और प्रिया देख के चौंक जाती है और कृष्णा को हॉस्पिटल रूम के ऊपर की तरफ इशारा करती है। तब हम सब ऑलमोस्ट डर जाते हैं कि क्या कृष्णा के बेटे को भी किसी ने चुरा लिया है और शायद फिल्म की एक सैड एंडिंग होने वाली है। लेकिन फिर पता चलता है कि दरअसल कृष्णा और प्रिया का बेटा रोहित, उसके पास भी जादुई शक्तियां हैं जो कृष्णा के पास थी और उसकी शक्तियों से वो ऊपर जा पाया रूम के रूप पर। लेकिन उसके पास कौन सी शक्तियां हैं? क्या वो रूम के ऊपर के हिस्से में जाकर पंखे से लटक रहा था, यानी कि उसके हाथ और पैर बचपन से मजबूत और सक्षम होने के साथ साथ कुछ लांग मार पा रहा था ऊपर? या क्या उसके पास हवा में लटक के रहने की कोई उड़ने वाली शक्तियां, मतलब वो शायद हॉस्टल रूम में एक क्यूट बटरफ्लाई की तरह हवा में तैर रहा हो? वो दिखाया नहीं गया और ऑडियंस के इमेजिनेशन के लिए वो छोड़ दिया गया। अभी क्रिश 4 में दो चीज रिवील होंगे, एक रोहित यानी कि कृष्णा का बेटा और दूसरा उसकी शक्तियां और वहां से वो कैसे अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता है। आप कमेंट्स में गेस करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए अलविदा।